बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू स्टार्स एकेडमी लाहौर गुलाम कादिर कैंपस। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था, जिसका नेम था नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉमर्स। अब इसमें हमारा टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ कॉमर्स। ठीक है, तो अब हम इसको देख लेते हैं कि स्कोप ऑफ कॉमर्स में हमें क्या क्या बताया जा रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले तो स्कोप ऑफ कॉमर्स की मेन 2 काइंड्स कह लें, टाइप्स कह लें। फर्स्ट होती है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, देन सेकंड होती है ट्रेड। आगे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड की हम फर्दर काइंड्स पढ़ लेते हैं। बैंकिंग है, मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, मींस ऑफ कम्युनिकेशन है, इंश्योरेंस है, वेयर हाउसिंग है, एडवर्टीजमेंट है, मिडल मैन है एंड पैकेजेस है। ये क्लियर है। उसके बाद हम ट्रेड की फर्दर काइंड्स देख लेते हैं कि ट्रेड के आगे फर्दर कितने काइंड्स हैं। ट्रेड की 2 काइंड्स होती हैं, फॉरेन ट्रेड एंड होम ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में हमारा इम्पोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड, एंट्रीपोर्ट ट्रेड आ जाता है, और होम ट्रेड में हमारा होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड आ जाता है। ठीक है, अब उसके बाद हम देख लेते हैं जी ट्रेड की डेफिनेशन। तो ट्रेड की डेफिनेशन हमें यहाँ बताई गई है, द लिटरली मीनिंग ऑफ ट्रेड इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स। एक्सचेंज ऑफ गुड्स का मतलब चीज़ों का तबादला। ठीक है, और इसके अलावा ट्रेड इज एन एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर मनी और अदर गुड्स। ये किसके अकॉर्डिंग है? कॉन्साइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक ये वाली डेफिनेशन जो है ट्रेड की है। अब हम देख लेते हैं जी, हम आज के टॉपिक में सारा तो ऐसा डिस्कस नहीं कर सकते। आज के टॉपिक में जस्ट हम ट्रेड की काइंड्स और आगे से उसके फर्दर जो काइंड्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉरेन ट्रेड। अब फॉरेन ट्रेड क्या है? फॉरेन ट्रेड को इंटरनेशनल ट्रेड भी कहा जाता है। इज अ ट्रेड और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन 2 और मोर इंडिपेंडेंट कंट्रीज फॉर देयर म्यूचुअल एडवांटेजेस। अब फॉरेन ट्रेड में क्या होता है कि फॉरेन ट्रेड जो है दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो हैं वो आपस में करते हैं, किसके लिए? म्यूचुअल एडवांटेजेस के लिए, बाहमी जिसमें फ़ायदा होता है, दोनों का फ़ायदा होता है जिसमें, तो उसे फॉरेन ट्रेड कहते हैं। मतलब कि वो ट्रेड जो हम अपने कंट्री से बाहर दूसरे कंट्रीज के साथ कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फॉरेन ट्रेड। अब उसके बाद जी आ जाए होम ट्रेड पे। अब होम ट्रेड क्या होता है? इन होम ट्रेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स और ट्रेड इज कंडक्टेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, सेलर एंड बायर बिलोंग्स टू द सेम कंट्री, इट इज़ ऑल्सो नोन एज डोमेस्टिक, लोकल और इंटरनल ट्रेड। अब वो क्या कहते हैं कि होम ट्रेड में एक्सचेंज ऑफ गुड्स जो है ना वो हम कंट्री के अंदर रह के ही करते हैं। ठीक है, हम अपनी कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर ही रह के चीज़ों का जो है ना तबादला करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स करते हैं। ठीक है, तो आगे से होम ट्रेड के भी 2 काइंड्स हैं, होल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। अब हमने क्योंकि पहले फॉरेन स्टार्ट किया था, फॉरेन ट्रेड पहले हम फॉरेन ट्रेड के काइंड्स पढ़ रहे थे, देन हम होम ट्रेड पर आ जाएंगे। तो फॉरेन ट्रेड के काइंड्स में सबसे पहले है इम्पोर्ट ट्रेड। तो अब हम इम्पोर्ट ट्रेड पढ़ लेते हैं। When a country buy goods and services from other countries, it is known as import trade. For instance, Pakistan buys petrol from Iran. अब import trade क्या होता है? Import trade में वो बताते हैं, import trade वो trade होता है कि जब हम चीज़ें मंगवाते हैं किसी दूसरे मुल्क से। ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान ईरान से पेट्रोलियम जो है, पेट्रोल वगैरह जो है वो मंगवाता है। ठीक है, तो अब किसी और मुल्क से चीज़ें मंगवाना, दैट इज़ कॉल्ड इम्पोर्ट ट्रेड। अब एक्सपोर्ट ट्रेड देख लीजिए, एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है? व्हेन अ कंट्री सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज टू अदर कंट्रीज, इट इज़ नोन एज एक्सपोर्ट ट्रेड। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान सेल्स राइस टू यूरोपियन कंट्रीज। अब वो क्या कहते हैं, जब कोई मुल्क अपनी चीज़ें किसी दूसरे मुल्क को बेचता है तो वो क्या कहला जाता है? एक्सपोर्ट ट्रेड। जैसे कि पाकिस्तान अपने चावल बेचता है यूरोपियन कंट्रीज जो हैं उनको। ठीक है, अब देन थर्ड वन है एंट्रीपोर्ट ट्रेड। अब एंट्रीपोर्ट ट्रेड में क्या होता है हम पढ़ लेते हैं। इन एंट्रीपोर्ट ट्रेड गुड्स आर इम्पोर्टेड फ्रॉम वेरियस कंट्रीज विद अ व्यू टू री एक्सपोर्ट देम टू अदर कंट्रीज। इन दिस टाइप ऑफ ट्रेड्स गुड आर कैप्ट इन बाउंडेड वेयर हाउसेज टिल दे आर री एक्सपोर्टेड। अब इसमें वो क्या करते हैं एंट्रीपोर्ट ट्रेड में कि हम किसी कंट्री से चीज़ें जो है इम्पोर्ट करते हैं, मतलब कि हम चीज़ें मंगवाते हैं क्यों? उसे दोबारा किसी को री एक्सपोर्ट करने के लिए। किसी एक कंट्री से चीज़ें इम्पोर्ट करने के बाद उसको दोबारा री एक्सपोर्ट करना, दैट इज़ कॉल्ड एंट्रीपोर्ट ट्रेड। ठीक है, अब हम अपनी सेकंड वाली काइंड पे आ जाते हैं होम ट्रेड की। फर्स्ट काइंड है होलसेल ट्रेड।
अब होलसेल ट्रेड में उन्होंने हमें क्या बताया हुआ है? होलसेल ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज. होलसेल बाय गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर इन ऑर्डर टू सेल देम इन स्मॉल क्वांटिटीज टू द शॉपकीपर्स एंड रिटेलर. ठीक है, अब होलसेल ट्रेड का मतलब होता है चीज़ों की खरीदारी या उनको बेचना, ठीक है, लार्ज क्वांटिटीज में. अब होलसेलर क्या होता है? होलसेलर जो है ना चीज़ें परचेज करता है प्रोड्यूसर से. ठीक है, जैसे कि मैन्युफैक्चरर से, प्रोड्यूसर से चीज़ें परचेज करता है और उनको किसको देता है? वो शॉपकीपर्स को और रिटेलर्स को. होलसेलर क्या करता है? उनको गुड्स देता है. ठीक है, देन हमारी सेकेंड काइंड है रिटेल ट्रेड. अब हम देख लेते हैं कि रिटेल ट्रेड में हमें क्या बताया गया है. रिटेलिंग मीन्स सेलिंग द गुड्स इन स्मॉल क्वान्टिटीज टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स. ठीक है, रिटेलर इज अ मिडल मैन हु परचेजेस गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर और होलसेलर एंड प्रोवाइड दिस गुड्स टू द कंज्यूमर नियर देयर हाउसेस. अब वो कहते हैं रिटेलिंग का मतलब होता है कि सेलिंग ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वान्टिटीज टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स. जैसे कि हम हैं, ठीक है, हम कस्टमर्स हैं ना, अल्टीमेट कंज्यूमर्स हैं, तो हम रिटेलर से चीज़ें जो हैं वो परचेज करते हैं. ठीक है, और रिटेलर क्या करता है? रिटेलर एक मिडल मैन का काम करता है, वो चीज़ें परचेज करता है या तो प्रोड्यूसर से या होलसेलर से और फिर वो हमारे तक पहुंचाता है. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो ट्रेड के काइंड्स और आगे इसके फर्दर जो काइंड्स हैं वो आज हम पढ़ चुके हैं. इसके अलावा हमने डेफिनेशन ऑफ ट्रेड पढ़ी है और कॉन्फाइस ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ट्रेड को किस तरह किसे डिफाइन किया गया हमने वो पढ़ा है. इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड और इसकी फर्दर काइंड्स पढ़ेंगे. थैंक यू सो मच.